हेलो एवरीवन, मैं फुलमनी आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए कुछ ऐसे DIY लाती रहूँ जो घर में आसानी से बन जाए। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक यूनिक फिश वॉल हैंगिंग आइडिया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल में नए हैं, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने क्रिएटिव दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले एक कार्डबोर्ड लें और एक फिश की ड्रॉ करें। सीजर की हेल्प से फिश के कट कर लें। इसी तरह हमें 5 फिश की कटिंग करनी है। सभी फिश की कटिंग को एक से एक साइज छोटी करनी है। फिश की कटिंग इस तरह की होगी। पानी और वॉल पुट्टी की मदद से हमको एक डब बनानी है। पानी को चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा डालें और इसको मिक्स करते जाएं। फिर हाथों की हेल्प से इसको डब बनाएं। हमारा डब बन के रेडी हो गए। अभी थोड़ा पाउडर मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद रोटी के जैसे बेलेंगे। फिर फिश की जो कटिंग है, कटिंग को ऊपर रख के हमको कट कर लेनी है। ग्लू की मदद से हम इसको अटैच करेंगे। पेपर का कटिंग बहुत ही पतले है तो मैंने ग्लू की मदद ली हूँ। पानी की हेल्प से किनारों को अच्छे से स्मूथ कर ले। हमारा पहला लेयर पूरा हो गया। अभी एक छोटा सा बॉल बनाएंगे, फिर आई की जगह पे डाल के उसको हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमको बहुत सारे छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं। उन बॉल्स को हल्का सा हाथों से प्रेस करके हमें अटैच कर लेनी है और फिश की स्केल्स बनानी है। इस तरह से आप अटैच करते जाए और पूरे फिश को कंप्लीट करें। पानी के हेल्प से थोड़ा सा स्मूथ कर ले और देखिए हमारा फिश रेडी हो रहे हैं। जिस तरह हमने पहले फिश को बनाए उसी तरह सारे फिश को बना लेने हैं। अभी हम सभी फिश को अच्छे से सूखने देंगे। कम से कम 3-4 घंटे तक आपको अच्छे से सुखाने हैं। सभी फिश को अच्छे से सुखाने के बाद हम टब की मदद से फिश का माउथ बना लेंगे ऐसे। सैंड पेपर की मदद से फिश को स्मूथ कर लेंगे। अभी सभी फिश को अच्छे से मिला के जहाँ पे हमको होल बनानी है मार्कर की हेल्प से मार्क कर ले और होल बना ले। होल बनाने के लिए आपके पास अगर क्रूस है तो क्रूस से भी आप होल बना सकते हो। मैंने वुड कार्पिंग के टूल्स को यूज़ की हूँ। होल बन जाने के बाद एक्रेलिक कलर से आप
डबल कोट करें। गोल्ड मेटालिक कलर को ऐसे स्पॉन्ज करें। इस तरह से सभी कलर के फिश के ऊपर स्पॉन्ज करें। फिर एयर स्टिक की हेल्प से फिश की आईज को बना लेनी है। फिर इस तरह के थोड़े पतले थ्रेड को यूज करनी है आपको। हमें कुछ बीज चाहिए, आपके पास जिस तरह के भी बीज हो आप यूज कर सकते हो। थ्रेड को अच्छे से होल से अंदर करें और इस तरह से बनाते जाएं। मैंने फिश को बड़े से छोटे तक अरेंज करके हैंगिंग की हूँ। मेरे पास कुछ वुडन बीड्स भी थे तो मैंने इसे भी लास्ट में यूज कर ली हूँ। अभी हमारे हैंगिंग बन के रेडी हो गए हैं। आप इसे घर के अंदर वॉल में हैंग कर सकते हैं और बालकनी में भी, अपने गार्डन में भी आप हैंग कर सकते हो। और लास्ट में मैं वर्निश यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वर्निश लगाने से कलर बहुत टाइम तक लास्टिंग करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।